आज हम बनाने वाले हैं ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल आटा लिया है। ये ज्वार का आटा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी के साथ हमने यहाँ पे एक आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, नमक ऑप्शनल है। और यहाँ पे हमने हाफ ग्लास के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे गुनगुना सा पानी लिया है, यह हल्का सा गर्म पानी है। बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एक परात ली है, उसमें डाल दिया है आटा और उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। ऐसा करके ही पानी उसमें डालते जाइएगा ताकि ये जो हमारा आटा है ज़्यादा पतला ना हो। हमें ज्वार की रोटी बनाने के लिए एकदम ऐसे मीडियम कंसिस्टेंसी में आटा लगता है, ना ज़्यादा गाढ़ा लगता है और ना ही पतला ज़्यादा। तो चलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और उसे अच्छे से हाथ से मसलते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना लेना है। आप जितना आटे को मसलोगे उतनी हमारी रोटी अच्छी बनेगी, वो अच्छे से फूलेगी भी। तो चलिए इस तरह से आटा बना लेते हैं। इस तरह से हमने आटे को मसल मसल के अच्छे से गूंद लिया है। आप ध्यान रखिएगा, ज्वार की रोटी बनाते समय आपको आटा अच्छे तरह से गूंदना है, उसमें क्रैक नहीं चाहिए। इस तरह से हमने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है और इसकी हमने छोटी छोटी लोइयां बना ली है। मैंने यहाँ पे 3 रोटी का आटा गूंदा है फ्रेंड्स। आप चाहो तो, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना आटा लेते हो उसकी उतनी रोटियाँ बना सकते हो। तो चलिए अब हम ये साइड में रखते हैं और एक लोई ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस परात में नीचे थोड़ा सा ये हमारा जो सूखा आटा है वो डाल देंगे ताकि जो हमारी रोटी बनाते समय वो नीचे चिपके नहीं। इस तरह से उसे हथेली पे ही थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए अब हम इसे हाथ से अपने पाम से, फ्रेंड्स याद रखिए, हमें उसे अपने पाम से ही उसे दबाते हुए इस तरह से मोटा बनाना है। और इसे इसकी साइज़ इसी तरह से बड़ी होती है। और इसे हाथ में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाइएगा वरना ये रोटी हथेली में चिपक सकती है। इस तरह से उसे प्रेस करते हुए देखिए ये कितनी गोल गोल बनने लगी है। अब आप जितना उसको घुमाओगे उतनी पतली रोटी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आप जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतना उसे आप इसी तरह से घुमा सकते हो और बड़ी रोटी बना सकते हो। आपने देख लिया ना यहाँ पे कितनी छोटी लोई से हमने यहाँ पे कितनी बड़ी रोटी बना ली है। और इसे हमने अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए एक गोलाकार रोटी का शेप दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पहली जो रोटी है इस तरह से हमने बना के ली है। अब मैं आपको लास्ट फिनिशिंग टच दिखाती हूँ। अब मैं अपने दोनों हाथ से इसे प्रेस करते हुए इसको बड़ा बनाऊंगी। देखिए इस तरह से ये कितना गोल गोल घूम रही है रोटी। हमने यहाँ पे रोटी को सेकने के लिए गैस पे एक लोहे का तवा रख दिया है। आप चाहो तो नॉनस्टिक का तवा भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इस पे रोटी डाल देंगे। रोटी को उठाने की भी एक टेक्निक होती है। तो चलिए इस तरह से हमें रोटी को उठा लेना है। सबसे पहले तो हम एक हाथ नीचे डाल देंगे और इस तरह से उसे करते हुए दोनों हाथ पे हम रोटी को लेंगे। और अब हम ये जो रोटी है इस तरह से डाल देंगे, नीचे की साइड हमें ऊपर कर लेना है। जो हमने सूखा आटा लगाया था वो जो नीचे की साइड थी वो ऊपर हमें करनी है। इस तरह से हमें रोटी डालनी है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा पानी लगा देंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा पानी उस पर लगा देना है। जब हमारा ये पानी अच्छे से सूख जाएगा, अच्छे से मतलब थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तब हम इसे पलट देंगे। ध्यान रखिएगा हमें ये जो पानी है बहुत ज़्यादा भी सुखाना नहीं है वरना हमारे रोटी में नीचे से क्रैक आ सकते हैं। तो चलिए अब मुझे एक चम्मच से चलाते हुए इस तरह से रोटी को पलट दूंगी। देखिए मैंने रोटी को पलट दिया है। अब हम नीचे की साइड से पूरी तरह से उसे सेक लेंगे। हमें उसे नीचे से चित्ती आने तक सेक लेना है। अच्छे से दाग लग जाए नीचे से तब हम रोटी को पलट देंगे। हमें ऊपर की जो साइड है वो तवे को साइड में करके गैस पे ही उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि हमारी रोटी अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देख लिया ना मैंने कितनी अच्छी मीडियम साइज़ की और मीडियम कंसिस्टेंसी की, मतलब ना ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत पतला, इस तरह की रोटी बना ली है।
ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ी सी मोटी रोटी पसंद करते हो तो आप उस तरह का उसे हाथ से प्रेस करते हुए रोटी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे के साइड पे अच्छे से दाग आने लगे हैं। अब हम इसे और 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं नीचे के साइड से। जब पूरी तरह से हमारी रोटी नीचे से सेक जाए तब हम उसे ऊपर से भी सेक लेंगे। अब हम हमारा जो तवा है उसे साइड में कर लेंगे और इसे अब हम गैस पे रोस्ट कर लेंगे। इसे मीडियम आंच पे ही अच्छे से सेक लीजिएगा। अगर आप तेज आंच पे करोगे तो बहुत ज़्यादा दाग लग जाएगी उसको। नीचे से पूरी से सेक चुकी है, अब हम उसे गैस पे सेकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से 1-2 मिनट में हमारी जो रोटी है नीचे से अच्छे से फूलना स्टार्ट कर देगी। बहुत आसान है ज्वार की रोटी बनाना। देखिए नीचे भी हमारी जो रोटी है अच्छे से सेकने लगी है। आप चाहो तो इसे तवे पे भी सेक सकते हो, बट जब हम इसे गैस पे इस तरह से सेक लेते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद भी आता है रोटी का और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे पहली रोटी बना के ले ली है, तो अब हम उसी तरह से दूसरी भी रोटी बना लेते हैं। दूसरी लोई उठा लेंगे और उसे भी इस तरह से थोड़ा सा सूखा आटा नीचे लगा देंगे और उसे भी हम अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए रोटी को बना लेंगे। आपने देखा ना कितना आसान है। बस रोटी बनाते समय अपना जो हाथ है वो थोड़ा हल्का रखिएगा। अगर आप उस पर ज़्यादा प्रेस करोगे तो रोटी नीचे चिपकेगी और आपकी रोटी इस तरह से घूमेगी भी नहीं। तो उसे हल्के हाथ से ही हमें उसे घुमाना है। यहाँ पे मैंने दूसरी भी रोटी बना ली है। अब हम इस रोटी को भी अच्छे से हाथ पे, दोनों हाथ पे उठा लेंगे। आप एक हाथ से भी उसे डाल सकते हो, बट उसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। आप पहले इस तरह से रोटी डाल दीजिएगा। हमने गैस पे जो हमारा तवा था उस पे दूसरी रोटी भी इस तरह से डाल दी है, ऊपर से पानी लगा दिया है और पानी भी सूख चुका है। तो अब हम इसे भी पलट देंगे। अब हम ये जो हमारी दूसरी रोटी है इसे भी नीचे की साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। आपने देखा ना फ्रेंड्स कितना आसान है ये रोटी बनाना। देखिए नीचे की साइड भी ऑलमोस्ट हमारी सेक चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं ताकि ये अच्छे से नीचे से क्रिस्प हो जाए। और फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो इन डिटेल। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स बॉक्स में दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, इस तरह से मैंने दूसरी भी रोटी सेक ली है और ये भी रोटी हमारी अच्छे से ऊपर तक फूल चुकी है। अब हम इसे एक उड़न बास्केट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक उड़न बास्केट में 2 रोटियाँ निकाल ली है। आप देख सकते हो हमारी रोटी तैयार है। रोटियाँ उड़न बास्केट में निकाल ली है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी अच्छी रोटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। ये गर्मा गर्म रोटी आप किसी भी सालन या सब्जी के साथ खा सकते हो। बहुत अच्छी लगती है खाने में और बहुत ही हेल्दी होती है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। ये बहुत ही सॉफ्ट हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत पतली रोटी हमने यहाँ पे बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा घी लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। घी यहाँ पे ऑप्शनल है। अब हम ये जो हमारी दूसरी रोटी है उसे भी उठा लेंगे और उसे एक दूसरे से इस तरह से क्रश करते हुए हम रोटी को, दोनों रोटी को घी लगा लेंगे। रोटी को घी लगाने से हमारी रोटी में बहुत ज़्यादा नरमपना आ जाता है, बहुत ज़्यादा मुलायम हमारी रोटी रह जाती है। बहुत टाइम तक हमारी रोटी अच्छे से सॉफ्ट रहती है, इसलिए हमने उसके ऊपर घी लगाया है। घी ऑप्शनल है, चाहो तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म ज्वार की रोटी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।